राशिद की भाई की वालदा का बना हुआ हाथ का मसाला। अच्छा, राशिद भाई की वालदा के हाथ का स्पेशल बना हुआ मसाला। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान बाबर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो स्ट्रीट फूड कवर करते हुए आज बहुत ही चटपटी सी फूड स्ट्रीट पर आपका भाई आ गया है। वैसे भी सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान में खाने पीने के शौकीन हजरात मज़े मज़े के खाने तलाश करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और उन खानों को ट्राई करके उनका एक्सपीरियंस लेके अपना दिल खुश करते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं पहुँचा हूँ कराची के एक बहुत ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट किमाड़ी पर, राशिद बंगाली पर। यहाँ का खाना हम ट्राई करेंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चले तो फिर देखते हैं कि कराची में सी फूड स्ट्रीट की रनाइयाँ क्या कह रही हैं। ब्राउन कढ़ाई बन रही है यहाँ पे, ओह जबरदस्त। क्रैब का सूप है भाई, कितने का है? 350 रुपए का एक बाउल। वाह भाई वाह, दिखाएं शक्ल, दिखाएं इसकी। ओह जबरदस्त, ये इसके अंदर बॉइल हुए हैं। जी, तो एक क्रैप डालते हैं उसके अंदर, एक एक बाउल के अंदर। जबर 350 का हाफ, हाफ क्रैप मतलब 350 का बाउल है और उसके अंदर ये हाफ क्रैप यूज़ करते हैं ना। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। आगे देखते हैं और यहाँ पर स्ट्रीट फूड में क्या क्या चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। और यहाँ पर देखना चाहेगा होटल भी है भाई, बेहतरीन शानदार किस्म की फूड स्ट्रीट है। ये देखें, ये हाँ भाई, हाँ क्या गुड्डू, क्या कह रहे हो, क्या कह रही है? अब इसके बाद इसको दोबारा वॉश करेंगे। वो भाई वॉश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। दादा, कौन सा मसाला लगा रहे हैं इसमें? ये ग्रिल मसाला। ग्रिल मसाला, तो ये कितनी देर मैरिनेट करेंगे इसे? ये पाँच ग्रिल में, पाँच मसाले पाँच में लग जाता है, ग्रिल में 10-15 मिनट लग जाता है। 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इस मसाले में आपकी सीक्रेट रेसिपी है, मतलब इस मसाले में जो रेसिपी है, जो मसाले जो चीज़ें मिलाई गई हैं वो आपकी सीक्रेट हैं? जी जी, सीक्रेट है, वो बताने की नहीं होती किसी को। राशिद की भाई की वालदा का बना हुआ हाथ का मसाला। अच्छा, राशिद भाई की वालदा के हाथ का स्पेशल बना हुआ मसाला है। तो सबसे पहले इसके ऊपर नमक लगा रहे हैं। जी, नमक इसकी ही ख़त्म करने के लिए? जी जी। अच्छा, इसके ऊपर ऑयल सिरका कोई इस तरह की चीज़, लेमन वगैरह? ऑयल और मसाला लगाते हैं जब मछली पक जाता है, जो कस्टमर खुद लेमन लगाता है मछली को पर। अच्छा, ये चाट मसाला लगाता है उसके बाद जब लेमन का छिड़काव होता है और लेमन में नहा जाती है मछली, तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो अब ये ग्रिल के लिए सारी जी, रेड स्नैपर जी। चलें देखते हैं, मैरिनेट कर रहे हैं इसको भी ये, और ये भाई बस 5 मिनट मैरिनेट करते हैं मुश्किल से। ये मसाले 5 से 6 मिनट लगते हैं और पकाने में 10 से 15 मिनट बस, फिर उसके बाद रेडी हो जाते हैं। वालेकुम सलाम। ये कितनी देर ग्रिल होती है फिश?
ये जो है ना 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट में रेडी हो जाती है? 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। आपका कितने टाइम से यहाँ पर? मेरा तो टाइम कम हो चुकी है, मैं महीना बराबर हो चुकी है मैं यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? दूर दूर से आती है, जो बाहर से भी आती है, यहाँ से भी लोग आती है, हर जगह से लोग आती है। राशिद भाई का चीज क्या है? सबसे सब डिश जो है ना उसका अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा है, बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पर जो भी आते हैं राशिद भाई का पहले पूछता है, इसका पहले पूछता है, बोलता है सब डिश जो है ना राशिद भाई का खाता है, इंजॉय करता है, फिर चला जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये फ्राई फिश के लिए इसको मसाला लगा रहे हैं। सबसे पहले ये नमक आप लगाए इसमें? नमक लगा दिए भाई इसके अंदर सबसे पहले, और ये मसाला लगाते ही फौरन भाई ये कढ़ाई में चला गया है। कितनी देर फ्राई करते हैं इसको? 10 मिनट लग जाता है। 10 मिनट में भाई फिश फ्राई होके बाहर आ जाती है इस कढ़ाई में से। ये प्राउन सीख में लगाए जा रहे हैं, बारबेक्यू के लिए रेडी हो रहे हैं। एक सीख में तकरीबन कितने प्राउन्स की बोटी आती हैं? ये तकरीबन 11 से 13 आते हैं। 11 से 13 बोटी मतलब आधे किलो आ जाती है एक सीख में? दो सीख में आ जाते हैं। दो सीख में आधे किलो प्राउन्स आ जाते हैं। ये प्राउन कढ़ाई रेडी हो रही है। ओह जबरदस्त, क्या जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है यार, बेहतरीन। और यहाँ पे रेडी होकर रखी हुई है, देखें सारा प्राउन कढ़ाई का सेटअप है। स्पेशली ग्रिल फिश बहुत ज़बरदस्त थी, वो खा के स्वाद आ गया। प्राउन्स की भी गेम ऑन थी, प्राउन्स कढ़ाई की और प्राउन्स बारबेक्यू की। सुभान अल्लाह जी, मज़ा आ गया ज़बरदस्त जी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर कभी गलियों या सपनों में आपसे मिलते हैं। अगर भाई की वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर देखते रहे मेरे साथ कि ज़िंदगी की रानाइयाँ क्या कह रही हैं। क्या कह रहे थे शान भाई? और अच्छा रहा, मज़ा आया। हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग यहाँ आएँ, अपनी फैमिलीज को लेके आएँ, बहुत अच्छा खाना है। रनाइयाँ एंजॉय करें, रनाइयाँ एंजॉय करें और खुश रहें। ये रनाइयाँ यहीं पे ख़त्म हो गई हमारी आज की, अब हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। मिलते हैं आपसे अपने बन के साथ अगले ब्लॉग में।